छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी एक छोटे से बच्चे की है, उम्र नहीं होगी करीब 10 साल। एक दिन वो बच्चा एक दुकान में गया। दुकान के बाजू में फोन का बूथ था। फोन के बूथ में रखी हुई कुर्सी पर वो चढ़ा, फोन उठाया और बातचीत करने लगा। जब वो बातचीत करने लगा उस समय दुकान में कोई नहीं था, तो दुकानदार ने सोचा कि बच्चे की बात सुनता हूं। उसने फोन उठा करके कान पर रखा। बच्चे ने नंबर डायल किए और उधर से एक महिला की आवाज आई, हेलो। बच्चे ने कहा, मैडम यदि आपके लोन को मेंटेन करने के लिए आपको किसी बच्चे की जरूरत है तो मैं फ्री हूं, मैं आपका लोन मेंटेन कर सकता हूं। महिला ने उधर से जवाब दिया, नहीं, मेरे पास मेरे लोन को मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी एक लड़का है। लड़के ने कहा, मैडम मेरी बात सुनिए, आपने जिस लड़के को रखा है वो जितनी तनख्वाह में, वो जितने पैसे में लोन को मेंटेन करता है उससे आधे पैसे में मैं आपका लोन मेंटेन कर दूंगा। महिला ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास जो लड़का है बहुत मेहनती है और अच्छा काम करता है। ये लड़का फिर भी निराश नहीं हुआ और बोला, मैडम मैं आपके लोन को आधे पैसे में मेंटेन करूंगा, साथ साथ गैरेज की सफाई भी कर दूंगा, बाकी घर के आजू बाजू के काम भी करूंगा और हर संडे को साहब की कार भी मैं साफ कर दूंगा और पैसे सिर्फ आधे लूंगा। महिला ने उधर से कहा, नहीं बेटे, मेरे पास जो लड़का है वो ठीक है, लोन अच्छी तरह से मेंटेन करता है, मुझे उसकी जगह पर दूसरा लड़का नहीं रखना। लड़के ने फोन वापस किया, टेलीफोन बूथ से बाहर निकला, पैसे दिए और वापस जाने लगा। दुकानदार इस लड़के की बातों से बहुत ही प्रभावित हो गया। उसने जाते हुए लड़के को बुलाया और कहा, बेटे तुम्हारा एटीट्यूड से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं अपनी दुकान में तुमको नौकरी दे सकता हूँ। तुमको काम चाहिए तो मेरी दुकान में काम कर सकते हो। लड़का मुस्कुराया और लड़के ने कहा, थैंक यू सर, लेकिन मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं ही वो लड़का हूँ जो उस मैडम के घर पे लोन मेंटेन करता हूँ, मैं ही वो लड़का हूँ जो उस मैडम के लिए काम करता हूँ। मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि मेरे काम करने की गुणवत्ता, मेरे काम करने की क्वालिटी सही है या नहीं। छोटा बच्चा बहुत बड़ी सीख हमें सिखाता है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, क्या हम अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं? क्या हमारा जीवन गुणवत्ताओं से भरा है? क्या हम अपने चारों ओर गुणवत्ता फैला रहे हैं? 365 कहानियों की सीरीज में हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। नमस्ते।